तो गाइस मैं हूँ अभी सिलीगुड़ी नदी किनारे और आज है कृष्ण जन्माष्टमी। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चलो दिखाते हैं नदी कौन सा है। हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और फिलहाल मैं हूँ सिलीगुड़ी में। तो चलो यार नदी किनारे घाट पे चलो चलते हैं और दिखाते हैं जो भी हो। तो गाइस विधान मार्केट में है हम। विधान मार्केट में इतना ज़्यादा दुकान है, यहाँ हवा झूम के मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं वापस आ गया। अब चलो बस स्टैंड। तो गाइस फिलहाल मैं हूँ बस पे, क्योंकि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर भी है बस स्टॉप, तो वहाँ तक जाएंगे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। तो गैस हम हैं अभी सिलीगुड़ी मेन टाउन में और यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, चहल पहल है। तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं कहाँ क्या देखने को मिलता है। और आज है कृष्ण जन्माष्टमी तो उसी वजह से रैली भी आ रहे हैं। तो चलो दिखाते हैं रैली में, काफ़ी मज़ा आएगा। तो गैस हम अभी है सिलीगुड़ी मेन टाउन में ही और यहाँ के सामने ही मतलब दुकानें हैं काफ़ी ज़्यादा और उसके सामने है नदी। तो नदी किनारे लोग आ रहे हैं वो मतलब जन्माष्टमी के लिए पानी वानी लेने। तो हम भी चलो चलते हैं उसी बहाने, चलो दिखाते हैं जो भी हो, बातें कम काम ज़्यादा। म्यूजिक नदी है, मालूम है नदी कौन सा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तो गाइस हम अभी घाट किनारे आ चुके हैं घूमते फिरते, पास में ही बस स्टॉप है। फिर भी यहाँ ओवर ब्रिज है, देख सकते हो ब्रिज, और ब्रिज के नीचे यहाँ पे मतलब पानी लेके पूजा करेंगे ना, तो यहाँ बहुत ज्यादा लोग आए हैं। चलो हम फोटो खींचते हैं। Thank you.
यहाँ पे पानी लेने के लिए आए हैं लोग और पूजा भी हो रहे हैं, तो फोटो खींच लेते हैं। और यहाँ पे है स्टेचू, ऊपर चढ़ जाते हैं। देखो यह है सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी तो पानी लेने के लिए। तो पूरा टीम मजा आ गया। चलो उनको बाय बाय करते हैं, हम भी आगे चलते हैं, जाके देखते हैं कहाँ क्या होता है। और यहाँ जिम भी है सामने, मजा आ गया। तो गाइस हम सिलीगुड़ी में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। हम बोल रहे हैं कि हम गहपुर आसाम नहीं जाएगा, मतलब आसाम ही है, नेपाल से अगर सिलीगुड़ी आ चुके हैं ना, तो हम बोल रहे हैं कि सिलीगुड़ी में ही रुक जाते हैं। यहाँ पे बहुत चहल पहल है, मजा आ रहा है नए नए लोगों को देख के। और यहाँ पे घास बन भी है। और बाप रे, यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी पोस्ट कितना ज़्यादा है रे, वाई वाई। तो चलो अभी बस आएगा ना, बस में उठे के एक बज चुके। तो गाइस हम खाएंगे अभी झाल मुड़ी, सब मिसल दीवन सिलीगुड़ी ते आमी खामू झाल मुड़ी, सिलीगुड़ी ते खामू झाल मुड़ी जिद्दी दाव। तो मम्मी उदी के जाए, हमें एक बहुत ही खूबसूरत पार्क देखने को मिला। ये देखो हाथी भी बड़ा ले, वो हमारे इंडिया का तिरंगा है। देखो हवा में लहर रहा है हमारे इंडिया का तिरंगा। और यह है सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी। हम वहाँ पे है काउंटर के पास। फिलहाल इन हाथियों को कितना अच्छा लग रहा है, फोटो खींच लेते हैं। बड़ा हाथी, मीडियम हाथी और एकदम छोटा सा बच्चा हाथी, घास से बना है। कितना अच्छा शेप दिया है रे, बहुत अच्छा लग रहा है। ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाएगा, थोड़ा बहुत ही बनाते हैं। सिर्फ हाथी। तो गाइस सिलीगुड़ी में रस्ते भर में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जंक फूड मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चहल पहल देखने को मिलेगा। और हर जगह लोग अपने अपने काम में व्यस्त है। ऊपर से मतलब वहाँ का लैंग्वेज जो है वो आप अगर बाहर से आओगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, बंगाली लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है बंगाली। तो बाकी कुछ ही लोगों को मतलब हिंदी आते हैं, तो वरना आप अगर हिंदी या इंग्लिश में भी बोलोगे या आसामीस में भी बोलोगे ना तो वो लोग बंगाली में ही रिप्लाई देंगे। मैं तो बंगाली पहले से जाने हेली कि हमारे किसी दिक्कत हो ना और हो ना, तो हेली कि हमसे बंगाली बंगालियों को आसामीस से लोग आसामीसों को बंगाली के साथ बंगाली, आसामीस के साथ आसामीस करते हैं। अब चलो चलते हैं सिलीगुड़ी, तो दिखा लिया बस आ जाएगा तो उठ के चले जाएंगे। तो हर जगह आप लोगों को ट्रैफिक सिग्नल और पुलिस भी देखने को मिलेगा, काफ़ी चहल पहल है। बस तो इन टाइम चपर चपर करता ही रहता है। तो गाइस सिलीगुड़ी में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, हमारे आसाम की तरह ही है, और थोड़ा गंदगी है, बाकी सब तो ठीक ही लगा मुझे। थोड़ा मैं भी वीडियो बना लेता हूँ, बाद में दिखाएंगे आप लोगों को, बाकी दिखाते हैं जो भी हो।